नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर महोबा से। मामला तहसील चरखारी क्षेत्र के ग्राम रायनपुर कस्बा के निवासी भूपेंद्र पुत्र कमल व कैलाश पुत्र कमल ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने शिकायती पत्र में बताया कि पीड़ित का अराजी मौजा रायनपुर में जमीनी विवाद के चलते एक गाटा सा 599 को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें पीड़ित चाचा कमल की पत्नी मत्ती व पीड़ित की मां फूला रानी पत्नी राधेश्याम बीच हुआ था, जो समझौता परिवार के लोगों के मध्य बैठकर किया जाता है। समझौता प्रपत्र के अनुसार कुल 5 कित्ता गाटा संख्या में 598 का 598 ख और गाटा 275 का बैनामा पीड़ित कुरानापुर निवासी अशोक कुमार पुत्र लक्ष्मी प्रसाद के पक्ष में निष्पादित करना था, लेकिन पीड़ित ने अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए अशोक कुमार ने पीड़ित से शेष अन्य घाटा का बैनामा भी धोखे से करा लिया, जिससे पीड़ित भूमिहीन हो गए हैं। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पीड़ित जिलाधिकारी के चौखट पर जा पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और फर्जी रजिस्ट्री कराकर पीड़ित भूपेंद्र और कैलाश को भूमिहीन कर दिया गया, जिसको लेकर पीड़ित ने अपनी जमीन वापस दिलाने की और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? कैलाश। कहाँ से आए हैं? चरखारी। आज आप डीएम साहब के यहाँ आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे संग धोखाधड़ी करी है, 3 प्लाट की लिखा थी और इन्हें 5 लिखवाया, हमारे घर तक करा रहने वाला। किसने लिखवाया है, क्या नाम है? महाराज। कहाँ के रहने वाले हैं? ट्राली नोटा की चौराहे। अब क्या कह रहे हैं वो? कह रहे थे हम तो पूरा लेंगे, हमें उतने जो उसी दिन से हमारी बीमारी हो गई, जिस दिन से हमको मालूम पड़ा हमने दिखाया और धोखे से दुकान में इन्हें दस्तखत करवाए। क्या किसी प्रकार की कोई साजिशन दुश्मनी है? हाँ नहीं है भाई। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? बस क्या है, हमारा जितने हमने दी थी उतने में अपने कब्जे कर लें, हमारे जो है रहने वाला क्यों छोड़ा रहे हैं? चाचा वाला भी है हमारे साथ में। पैसा कितना दिया था आपको? काय काय वो प्लाट भर के देते 11,000-12,000 रुपया हमें देते, वो कैसे भैया जाए हमें बस बयानों भर है।